हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा और आप देख रहे हैं टेक टू टेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस एट सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ में तीन फ़ोन आते हैं, वन प्लस एट प्रो एंड वन प्लस एट लाइट और आई कैन से वन प्लस जेड। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वन प्लस एट लाइट और वन प्लस जेड, इसकी अभी 4-5 दिनों पहले इमेज निकल कर बाहर आई है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशंस अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन खबर आ रही है ये डायमेंसिटी 1000 पर होने वाला है एंड ऑब्वियसली ये 5G फ़ोन होने वाला है, क्योंकि वन प्लस ने कहा है उसके सारे ही फ़ोन 5G होंगे। एंड वन प्लस एट एंड वन प्लस एट प्रो दोनों ही फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 पर होंगे, लेकिन इन दोनों फ़ोन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब डिस्प्ले की बात कर लें तो वन प्लस एट होगा 6.55 इंचज़ की फुल HD प्लस स्क्रीन के साथ, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट। बट वन प्लस एट प्रो होगा 6.78 इंचज़ की QHDR प्लस स्क्रीन के साथ, दैट मीन्स इसमें आपको 2K स्क्रीन मिलेगा और इसमें आपको मिल रहा है 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट। दोनों ही फ़ोन में स्टोरेज टाइप होगी UFS 3.0, बट दोनों ही फ़ोन्स की रैम टाइप में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वन प्लस एट में आपको मिलेगी LPDDR4X, वहीं वन प्लस एट प्रो में आपको देखने को मिलेगी LPDDR5। दोनों फ़ोन के सेंसर्स में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जहां वन प्लस एट में होंगे वो सारे सेंसर जो एक स्टैंडर्ड फ्लैगशिप फ़ोन में होते हैं, बट वन प्लस एट प्रो में कुछ एक्स्ट्रा सेंसर भी दिए, लाइक फ्लिकर डिटेक्ट मोड, फ्रंट RGB सेंसर एंड लेज़र सेंसर। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी की। वन प्लस एट में आपको मिल रही है 4300 mAh की 30W की वार्प चार्जिंग, वेयर एज वन प्लस एट प्रो में आपको मिल रही है 4510 mAh की बैटरी, वो भी वाप वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती हुई। जी हाँ, इसमें आपको वाप वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, जो कि आपको वन प्लस एट में नहीं मिल रही है। और इसमें रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। जी हाँ, ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जो कि आपको वन प्लस एट में नहीं मिलेगी। दोनों में ही 5.1 ब्लूटूथ है, दोनों में ही वाईफाई 6 सपोर्ट करेगा। यही नहीं, स्टीरियो टाइप स्पीकर्स है, USB-C पोर्ट है। दोनों ही फ़ोन तीन अलग अलग कलर में अवेलेबल होंगे, जहाँ पर ऑनिक्स ब्लैक एंड ग्लेशियल ग्रीन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा तीसरा कलर वन प्लस एट में इंटरस्टेलर ग्लो है एंड वन प्लस एट प्रो में है अल्ट्रा मरीन ब्लू। एंड नाउ वन प्लस एट सीरीज़ इज़ हैविंग IP68 सर्टिफिकेशन। तो अब बात करते हैं वन प्लस एट सीरीज़ के कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस एट की। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा होगा 48MP IMX586 होगा, सेकंड कैमरा 16MP अल्ट्रा वाइड होगा f2.2 एंड द थर्ड वन इज़ 2MP डेप्थ सेंसर। ये बैक में ट्रिपल कैमरा होने वाले हैं वन प्लस एट में। और वन प्लस एट प्रो में क्वाड कैमरा सेटअप होगा और दो कैमरा 48MP के होंगे, और जो प्राइमरी 48MP है IMX689 का होगा। इसमें बड़े पिक्सल्स हैं, ये कस्टमाइज सेंसर है जो कि ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा कलरफुल एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट। सेकेंड कैमरा 48MP का अल्ट्रा वाइड 120° फील्ड ऑफ व्यू होगा, थर्ड कैमरा 8MP का टेलीफोटो होगा एंड द लास्ट वन इज़ 5MP कलर फिल्टर। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो 8 एंड 8 प्रो दोनों में ही 16MP का IMX471 होगा। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं प्राइस की। वन प्लस एट का एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 45,000 to 50,000 रहने वाला है, जहाँ बेस वेरियंट का प्राइस 45,000 अराउंड होगा और हायर वेरिएंट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50,000। अब बात कर लेते हैं वन प्लस एट प्रो की। तो वन प्लस एट प्रो में बेस वेरिएंट का प्राइस रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 55,000 एंड हायर वेरिएंट का प्राइस रहेगा अराउंड 60,000। एंड वन प्लस एट लाइट और आई कैन से वन प्लस जेड, ये आने वाला है हीलियो या डायमेंसिटी 1000 पर। 3800 mAh की बैटरी होने वाली है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये फ़ोन भी 5G होने वाला है। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30,000 जाएगा, जैसा कि रूमर्स आ रहे हैं, जैसा हमें सुनने में आ रहा है। तो गाइज, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको वन प्लस एट सीरीज़ में से किसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग देखनी है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज़।